वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे फैमिली चैनल और सेकेंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चैनल डेक का यूज़ कर रही हैं, लेकिन ये वो चैनल डेक नहीं है जिसमें ब्लैक मैजिक की हम बातें करते हैं, उस तरह की कोई एनर्जीज आती हैं तो देखते हैं। ओके, वैसे आपके जो माइक कह रहे हैं वो आपके साथ में ही है, ठीक है। और इस चैनल पे होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स की बातें, ब्लैक मैजिक की और एनर्जी मैनिपुलेशन की बातें, जो लोगों के साथ किया जाता है कलेक्टिव में। तो अगर आप उससे पीड़ित हैं या फिर आपके साथ में आपको लगता है इस तरह की एनर्जीज है, तो ये रीडिंग उसके बारे में हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग के लिए यू। तो ये रीडिंग पूरी तरह से आपके बारे में है, आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में है, आप जो अनुभव ले रहे हैं उसके बारे में है। आप अपनी सोल को कितना ज़्यादा डिसबैलेंस से बचा रहे हैं, कितना क्लीन करके रख रहे हैं, और कितना ज़्यादा आप अपने मन मंदिर का, अपने घर का सम्मान कर रहे हैं, ये एनर्जी उसके बारे में है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और कोई आपके मन मंदिर में, आपके घर मंदिर में कहीं ना कहीं कोई डिसबैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस चैनल पे वही बातें होती हैं, ठीक है। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपका खुद से प्यार करना, खुद को सही रखना, अपने घर को, अपनी एनर्जीज को सही रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी शेप साइज और फॉर्म में अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे, या अपने घर को ठीक नहीं रख पा रहे, या फिर आपकी एनर्जीज को कोई क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, आपके घर की एनर्जीज को, आपकी खुद की सेल्फ लव की एनर्जीज को कोई ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है अगर, तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा, या आपको अपना उससे अपना कंट्रोल वापस लेना होगा। और ये एनर्जेटिक लेवल की बात मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ये डिस्क्लेमर है आपके लिए कि आपको उसी इंसान से बात करनी है जो क्षेत्र का एक्सपर्ट है, और जो आपको मिलकर आपकी समस्या को सुनकर आपको सही राय दे सकता है या दे सकती है। और इस पूरी रीडिंग में मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपकी एनर्जीज में इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर छेड़खानी कर रहा है आपकी एनर्जीज में। तो ये नहीं कहूँगी कि करता है या करती है, चाहता है या चाहती है, यानी कि सिर्फ वो करता है में ही रहेगा कि ये इंसान करता है। तो ये इंसान आप वर्ड बहुत बार सुन सकते हैं, ये इंसान करता है, अब वो मेल है या फीमेल है अपने हिसाब से टर्न कर लीजिएगा। तो आपके एंसेस्टर बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं आपकी एनर्जीज में, और वो आपके हर डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या डिसीजन ले रहे हैं आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को सही रखने के लिए, आपके एंसेस्टर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज को, या आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या ऐड करना चाहते हैं। एरीज की एनर्जीज हैं, रेस्टलेसनेस की फायरी एनर्जीज हैं, लीडरशिप एक्शन अचीवमेंट पेशेंस आपको जरूरत पड़ेगी कुछ कुछ समय के लिए। टेम्पर और टेंट्रम्स दिखाने से बचिएगा, इम्पल्सिव एक्शन नहीं लीजिएगा, किसी तरह की छदम एनर्जी है, यानी कि छलिया वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ नखरे दिखा रहे हैं अपने घर में, अपनी एनर्जीज में, अपनी लाइफ में, या अपने आप में, तो आपको पेशेंस रखना होगा, चाहे आपके घर के लोग हों, आपके घर की एनर्जीज हों, आपकी लाइफ में कुछ और हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई जैसे आपकी एनर्जीज में आग लगाने की, आग जलाने की कोशिश कर रहा है, या जलती हुई आग में हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, थैंक यू सो वेरी मच माँ काली। क्लियर क्रिएट एक्शन प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ बर्थ डेथ एंड रिपर। तो ठीक है, माँ काली आपकी लाइफ में जो भी, अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया ही है एक माँ काली की ब्लेसिंग्स का, कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। माँ काली कह रही हैं कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए, नई चीज़ें क्रिएट करते रहिए, एक्शंस आप लेते रहिए, प्रोटेक्शन की आप जो भी रिचुअल्स करते हैं या प्रेयर्स करते हैं उनको करते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए। जो भी चीज़ें जन्म लेती हैं, मृत्यु की तरफ जाती हैं तो फिर जन्म लेती हैं, यानी कि अगेन फीनिक्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, सीख रहे हैं या सीखेंगे, तो उस सारी एनर्जीज में सेल्फ लव हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सिचुएशन कोई सी भी हो, अपने आप से प्यार करना, अपनी केयर करना आपके लिए जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। योर एनर्जी योर प्रोजेक्शन वर्क एंड चेक। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपसे कहा, ऑलरेडी माँ काली ने आपको यही ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप ये सब कर पाएंगे, और आपकी एनर्जीज आपकी लाइफ में प्रोजेक्शन है आपका, इसलिए आपको उन पर काम भी करते रहना होगा और आपको उनको चेक भी करते रहना होगा। चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई आपकी एनर्जीज में हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में,
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि देखिए चाहे आपका चैप्टर, आपका कार्मिक साइकिल किसी के साथ कितना भी ओवर हो गया हो, लेकिन लोग जो है ना बाज नहीं आते हैं और आएंगे भी नहीं, इसलिए ये उम्मीद नहीं कीजिएगा। हील योर हार्ट कम्प्लीटली, तो आपका एंजल हार्ट है और कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी से या फिर आपके एंसेस्टर इसलिए ही प्राउड कर रहे हैं आप पे, क्योंकि आपने अपने हार्ट को वुंडेड करने की जगह या बदला लेने की भावना की जगह आपने उसको हील करना चूज किया है और आप उस हीलिंग की तरफ हैं। और अगर आप किसी शेप साइज और फॉर्म में हीलिंग को चुन रहे हैं या हीलिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो पेशेंस आपको जरूरत पड़ेगी समय समय पर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? बिगेन एंड योर डे विद आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, तो ये आपके लिए अफर्मेशन होना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं और आप आभारी हैं अपने जीवन में हर उस चीज के लिए जो ईश्वर ने आपको दी है, है ना। हर चीज के लिए ईश्वर को शुक्रिया करते रहिए। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फायरी एनर्जीज होती हैं या कुछ अप एंड डाउन होता है, कुछ डेथ और रिबर्थ की एनर्जीज होती हैं, तो बिल्कुल आपको इस हैप्पी टावर की नीड है। आपके लिए जो भी टावर मूवमेंट होगा या आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपकी ग्रोथ करने वाला होगा, इसलिए घबराना नहीं है। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं, इसलिए बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। तो ये तो हो गई है अच्छी अच्छी बातें, अब देखते हैं आपकी एनर्जीज में कौन छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या क्या छेड़खानी करने की कोशिश करता है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे पहला कार्ड है थीव का, दूसरा कार्ड है नाइट का, चार कार्ड आए हैं। चलिए चार ही कार्ड ले रहे थे, चार ही कार्ड आए हैं तो वन बाय वन लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वैसे डिलेंटांटे का, और ये कार्ड यही कहता है कि जितनी आपके पास नॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा दिखाना। और लाइट एट्रीब्यूट्स में ये कार्ड यही कहता है कि आप अपनी लाइफ की चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो पहला कार्ड है थीव का, इसके लाइट एट्रीब्यूट्स हैं शेड्स लाइट्स ऑन द पोटेंशियल वेल्थ विद इन यू दैट कैन नेवर बी स्टोलन, तो आपके अंदर की जो भी लाइट है उसे कोई चुरा नहीं सकता है। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो किसी ने लगातार आपके इस मन मंदिर में, घर मंदिर में ये सेंध लगाने की कोशिश की है, जहाँ पर उसने आपकी मनी के फ्लो को, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को, आपकी अफेक्शन की एनर्जीज को या फिर अदर वो पावर्स जो कि आपको आप बनाती हैं उनको चोरी करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे थीव का कार्ड है। तो किसी ने चोरी करने में कोई कामयाब भी हुआ है और लगातार कोई कर भी रहा है। सेकेंड कार्ड है नाइट का और ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये डिस्ट्रक्टिव रूलर की बात करता है, रोमांटिक डिल्यूजन्स की बात करता है। तो यहाँ पर कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई पर्सन या कर रहा है जिसमें कि आप भ्रमित रहे या फिर आप रोमांटिक एनर्जीज की जगह आप सेक्सुअल एनर्जीज में रहें और आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी ना देते हुए आप ऐसी एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हों जहाँ पर आप दूसरों की तरफ भाग रहे हैं या दूसरों से अपना यूज़ करवा रहे हैं या उनका यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। यानी कि सिद्धांतवादी ना होना, कुछ ऐसा मामला ऐसा भी है कि आप अपने जो आपके बिलीफ सिस्टम है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेटली आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहा है या फिर आप ईश्वर के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे लेते हैं, आप खुद को सही कैसे रखते हैं, आप कैसे क्रिएट करते हैं, आप आगे कैसे बढ़ते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कोई यहाँ पर बातें कर रहा है या उन चीज़ों को आपसे चुराना चाहता है। ये कार्ड कहता है फेमे फेटल का, ये कार्ड कहता है कि लाइट एट्रीब्यूट्स में हाईलाइट्स द एरोटिक एनर्जी ऑफ द फेमिनाइन, ओपन्स योर हार्ट व्हेन योर डिपेंडेंसी इज रिजेक्टेड। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज को डेफिनेटली किसी ने ऐसी आपकी डिवाइन और आपके एंजल हार्ट की एनर्जीज को चुरा कर, कोई किसी ने ये पास्ट में भी कोशिश की है और कोई ये अभी भी कर रहा है कि किसी तरीके से आपको आपके चरित्र से गिरा सके या फिर आपके साथ में किसी तरह से सेक्सुअल जो कॉर्ड्स होती हैं उनको जोड़ा जा सके। तो इस तरह के डेफिनेटली रिचुअल्स होंगे, आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर आपके एंजल हार्ट को कहीं ना कहीं
इरोटिक एनर्जीज में दिखाया जा सके, यानी कि ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान आपके ऊपर गंदी नीयत रखता है या रखती है, और इस इंसान की बहुत सारी फैंटेसीज हैं आपको लेकर, या इंसान ये बहुत सारी फैंटेसीज करता है या करती है, और ये लगातार आपकी एनर्जीज को चुरा कर उसको खा पी कर, डेफिनेटली खा पी कर बहुत खुश है या खुश हो रहा है या हो रही है, हो रहा था या हो रही थी। कुल मिला के बात यह है कि इंसान आपको दोबारा उसी एनर्जीज में ले जाना चाहता है, ले जाना चाहती है, या कनेक्ट होने की कोशिश कहीं ना कहीं आपसे हो रही है कि किसी तरीके से आपको उस एनर्जी में कनेक्ट किया जा सके जहाँ पर आपको ये ना पता हो कि आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है या सेल्फ लव की एनर्जीज में डिपेंडेंट होना है। ये इंसान आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है गलत तरीके से, गलत यूज़ के लिए और मिसयूज़ के लिए। डिस्ट्रॉयर का कार्ड यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट्स ही देखेंगे, इसके रिवर्स में था इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम्स और पोटेंशियल। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आपसे पहले ही कि कोई यहाँ पर आपकी एनर्जीज में, फायरी एनर्जीज में हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं अपने, तो यहाँ पे कोई इस तरह के एक्शंस ले रहा है या ले रही है कोई इंसान जो कि लगातार आपकी तरफ फायरी एनर्जीज, यहाँ पर भी ज्वालामुखी फूट रही है तो फायरी एनर्जीज हैं, तो कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज भेज रहा है जहाँ पर आप अपने हाथ से खुद को डिस्ट्रॉय कर लें, या फिर आपकी जो रियल एनर्जीज हैं उनको डिस्टर्ब करके सेल्फ लव की एनर्जी से आपको बाहर निकाल कर आपको उस लैक में ले जाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से आप गलत एनर्जीज में चले जाएं, और जब भी कोई आपको देखे या फिर आपकी एनर्जीज को महसूस करे वो आपको हमेशा ही मनी हंग्री पाए या फिर पावर हंग्री पाए, यानी कि क्योंकि इस इंसान का ये प्रोजेक्शन है आपके ऊपर कि आपको मनी हंग्री यानी कि पैसे का भूखा, पावर का भूखा, नाम का भूखा दिखाया जा सके, और ये इस इंसान की एनर्जीज है, तो ये डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज को यहाँ पे बाइंड और ब्लॉक करके आपकी तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है जो इसकी खुद की है। ये अपने, ये वो चोर है, यानी कि थीफ तो है ही यहाँ पे, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली इमेच्योरिटी में है क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड है, तो ये अपनी इमेच्योरिटी में आपकी प्योर एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कमर कस के बैठा है या बैठी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे वाओ का, पहले बार कार्ड ही ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, फर्स्ट टाइम आया है ये कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, सेकंड बुक का क्लेरिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थर्ड बुक का क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट का कार्ड डेफिनेटली क्रिएटिविटी की बात ही करता है क्योंकि यहाँ पे आर्ट की बात है और यहाँ पर आपकी बात है, और यहाँ पर माँ काली भी आपको यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपके डिवाइन के कनेक्शन के साथ में आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएटिविटी की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो यहाँ पे ये इंसान लगातार आपकी क्रिएटिविटी को या फिर आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को या फिर आपके सैक्रल चक्र की एनर्जीज को बार बार खींच रहा है या खींच रही है, साथ ही साथ आपकी सोलर प्लेक्सस पे भी अटैक हो रहा है ताकि आपकी विल पावर को बाइंड और ब्लॉक किया जा सके। ये बेसिकली आपको किसी ऐसी चीज में बाइंड करना, स्पेसिफिकली आपके तीन चक्रास को, आपके हार्ट को, आपके सोलर प्लेक्सस को और आपके सेक्टर चक्रा को बाइंड और ब्लॉक करना, ताकि ना आपके अंदर क्रिएटिविटी आ सके, ना ही आप दुनिया की चीजें सोचे, आप सिर्फ ना ही आप अपने हार्ट को हील कर सके और ना ही आप अपनी विल पावर का यूज कर सके। तो आपकी थर्ड आई को डेफिनेटली इन लोगों ने पहले से ही ब्लॉक कर रखा होगा ताकि आप किसी तरह की इंट्यूशन ना सुन पाए, सुन पा रहे होंगे तो वो इसलिए ही होगा क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, नहीं तो ये, या फिर आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहते होंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये एनर्जीज ऐसी ही हैं जहाँ पर ये इन्होंने, जैसे मैंने कहा था आपसे, इन्होंने पास्ट में भी आपके साथ ऐसा ही किया है और आपको पता है इस चीज़ को क्लीन कैसे करना है। तो ये जो भी चीज़ें हैं या फिर ये जो भी एनर्जीज हैं, इसमें आपको फ्लो के साथ और टाइम के साथ आगे बढ़ना होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ लव की एनर्जीज को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा या आपको बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन है। आपको अपनी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए लगातार उसको चेक करते रहना होगा ताकि आप, आपकी लाइफ में जो भी एनर्जीज आपकी तरफ गलत एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं आप उनको लगातार क्लियर करते रहें। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर के साथ में आपको ये पता नहीं कार्ड दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर के साथ में कार्ड है नो रिजल्ट का, खोखला, स्टर, बेरंग और खाली, कोल्ड की एनर्जीज है। तो ये इंसान ये चाहता है कि आप जब भी
जैसे मैंने कहा कि ये इंसान हाथ सेकने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जीज में है, लेकिन ये इंसान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, इसके पास इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज हैं बहुत ही खोखली हैं, बेमानी हैं, बेरंग हैं और इनकी कोई भी एनर्जीज नहीं है। इसलिए आपका ग्रेटिट्यूड देना बनता है, इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का आरंभ और अपने दिन का अंत आपको हमेशा ही आभारी होने से करना चाहिए और हैप्पी अपने आप को कहना चाहिए अगर आप नहीं भी हैं तो। यहाँ पे लिखा है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यानी कि आप बहुत खुश हैं और आप आभारी हैं। अगर खुश नहीं भी हैं तो नाटक कीजिए, प्रिटेंड कीजिए, अपने आप को धोखा दीजिए, लेकिन खुश रहिए, क्योंकि वही चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बातें मैं आपसे कहती हूँ तो ये लोग सुन के वो चीज़ें करने लग जाते हैं ताकि ये अपनी एनर्जीज को सही रख सके और आपकी एनर्जीज को लीच कर सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो इस इंसान ने आपके लिए, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है। ये जो भी पर्सन है ये आपके, देखिए, वर्क फील्ड में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके लिए हो सकता है बिल्कुल ही अनजान इंसान हो और जिसको बेवजह बिना बात के आपसे चिढ़ है, या फिर आपकी एनर्जीज को इसने देखा है इसलिए खाने पीने में लगा है ये इंसान आपकी एनर्जीज को। लेकिन बेसिकली ये इंसान जो भी है ये इंटरनली आपकी एनर्जीज को अंदर से खोखला बनाने की या फिर अंदर से खाली करने की, उसे डिस्ट्रॉय करने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रही है। इस इंसान ने आपके वर्ल्ड को या आपकी दुनिया को लगातार अपसाइड डाउन करके रखा है, यानी कि, या फिर एक इंसान करने की कोशिश कर रहा है इस उम्मीद के साथ में कि जब आपकी दुनिया उल्टी होगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, या फिर ये इंसान चाहता है कि आपको कुछ भी पता ना चले, कि आपके साथ अकेले में या फिर आपके साथ अंदरूनी तौर पे क्या करने की कोशिश की जा रही, आपके साथ अंदरूनी तौर पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आपकी हेल्थ की तरफ, आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही हैं जिससे आप खुद को बीमार महसूस करें या फिर आपको किसी ना किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपके लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपको कोई बीमारी है, आपको मेडिकल जो भी लोग हैं उनसे बात करनी है, आपको उन उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के पास में जाना है और आपको अपना चेकअप करवाना है, टैरो कार्ड के आधार पर नहीं बैठे रहना है भाई, आपको कानूनी समस्या हो, आपको मेडिकल की समस्या हो, आपको अपने लाइफ के फाइनेंसिस की समस्या हो, या कोई भी एरिया हो, आपको उन लोगों से संपर्क करना है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। टैरो कार्ड में सुन लिया कि हमारी तरफ भेज रहे हैं, अरे ये तो है, और बीमारी पाल ली, क्योंकि बीमारी पालने के लिए ही वो आपको भेज रहे हैं ताकि सेल्फ लव की एनर्जीज आपके अंदर ना हो। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है उल्टा, और ये कार्ड अगर सीधा आता है तो ये रोमांटिक एनर्जीज की बात ही करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपको कोई ऐसा ऑफर देना चाहता है या फिर आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहता है जिससे ये इंसान आपका जो वर्ड है अपसाइड डाउन कर सके। ये इंसान आपसे इसमें छोटा हो सकता है या हो सकती है। क्योंकि डेफिनेटली इस इंसान में मैच्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नाइट का कार्ड है और नाइट का कार्ड नाइट के कार्ड से कंफर्म हुआ है। इसका मतलब इस इंसान में ना सिर्फ मैच्योरिटी का लैक है और बल्कि ये इंसान मैच्योर होने के लिए तैयार भी नहीं है, यानी कि ये अपने इन मैच्योरिटी वाले जो बिहेवियर हैं उनके अंदर खुश है, या ये उनको अपनाकर, उनको समझकर इसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसने फर्स्ट टाइम नहीं किया है, ये इसने बहुत लोगों के साथ किया है डेफिनेटली, अगर आपके साथ एनर्जी लीचिंग वाला काम हो रहा है। लेकिन ये इंसान आपको कुछ ना कुछ फेक ऑफर करना चाहता है, या आपकी तरफ कोई मैसेज या फिर कोई कॉल
भेजना चाहता है, या आपकी आपकी तरफ कोई संदेश भेजना चाहता है, या फिर एनर्जेटिकली ये आपकी तरफ कुछ मैसेजेस भेज रहा है, या एनर्जेटिकली ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और आपको ऐसे इमोशंस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, या इसकी ये सोच है कि मैं इस इंसान को कुछ इस तरह के इमोशंस की तरफ खींच सकूँ जिससे कि ये अपने ये जब दुनिया के सामने प्रेजेंट हो, सिक्स ऑफ वांड्स की ये एनर्जीज हैं, तो इसका अगर देखिए लाइफ में कुछ आपसे गलत हुआ है या फिर आप लाइफ में बहुत बिंदास रहे हैं और इस इंसान के साथ आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये उस एनर्जी का यूज़ करना चाहता है, या फिर ये आपकी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट चीज़ें करना चाहता है जहाँ पर ये आपको एम्बेरसमेंट का सामना करवा सके, यानी कि जहाँ पर ये आपको शर्मिंदा महसूस करवा सके, या इसको ये इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है कि जब आप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ रही हैं तो आपकी हीलिंग लोगों को दिखाई ना दे, आपका एंजल हार्ट लोगों को दिखाई ना दे, आप अच्छे हैं ये दिखाई ना दे, लेकिन जब आप लाइमलाइट में आए तो लोगों को ये दिखाई दे कि आप इरोटिक एनर्जीज में हैं और आप मनी हंग्री हैं और आप पैसों के लिए एक और आप पैसों के लिए किसी के साथ सो भी सकते हैं, आप पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैजिक है मिरर मैजिक और बाइंडिंग ब्लॉकिंग, तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपके चक्रास को बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश की गई है और ये मिरर के द्वारा स्पिरिट्स आपको भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या इसने ऐसी चीज़ें की हैं। ये आपके घर की हो सकता है विंडोज़ के थ्रू, या फिर आपके घर की एनर्जीज में, इसने घर की एनर्जीज में भी, आपके मिरर की एनर्जीज में भी, इसने आपकी एनर्जीज में भी, मैंने लास्ट रीडिंग दी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो। इसने बहुत अलग अलग तरीकों से आपके घर की एनर्जीज को, आपकी एनर्जीज को आपको बाइंड और ब्लॉक करने की, उसके साथ अटैच होने की कोशिश की है ये, लेकिन एक इल्यूज़न है, ये कार्ड इल्यूज़न की बात करता है, वहम की बात करता है, तो ये इसने आपको एक इल्यूज़न देने की कोशिश की है, या ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आपको इल्यूज़न में रखा जा सके और आप अपनी वर्थ ना देखें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड चॉइसेस की बात करता है, तो ये इंसान ना बड़ा चुन चुन के आपकी एनर्जीज पर वार कर रहा है, बहुत ही दिमाग लगा के, और ये इंसान ना परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज में, या ये अपने टाइम टू टाइम ये अपने अलग अलग हथियारों को यूज़ कर रहा है, या अपनी अलग अलग एनर्जीज को यूज़ कर रहा है, या अलग अलग तरीकों को यूज़ कर रहा है। जैसे ये होता है ना कि किसी की एनर्जीज को देखना या उसके किसी से बात करके ये समझने की कोशिश करना कि इस इंसान का टेम्परेचर क्या है, इससे बात की जा सकती है या इससे बात नहीं की जा सकती है, या इसकी एनर्जीज को कितना लीच किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान आपके बिलीफ सिस्टम, आपका अपने आप को हील करने का तरीका, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये इंसान हर चीज़ को नाप तोल कर रहा है और उन चीज़ों को फिर मैनिपुलेट कर रहा है इस उम्मीद के साथ में कि मेरा ये वार काम करेगा या मेरा ये वार काम करेगा, या मुझे अब ये प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा क्या चूज़ करना चाहिए जिससे कि मैं इस एनर्जीज को और भी ज़्यादा बाइंड और ब्लॉक कर सकूँ। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली लॉस महसूस करवाना चाहता है आपकी ही लाइफ के लिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में, जहाँ पर आप पुराने इमोशंस में जाएं और आपको ये लगे कि जो आप जीवन से खो रही हैं, या आपने ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ का जिसके साथ आपने रिलेशनशिप अपने ख़त्म किए हैं, और ये रिलेशनशिप कोई से भी हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स है और रोमांटिक एनर्जीज हैं, तो मे बी ये कोई फैमिली मेम्बर ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको पूरी तरह से करेक्टर लेस बताना चाहता है या दिखाना चाहता है या चाहती है, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स आपके लिए लॉस की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझाने की या ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि आपके लिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद की चिंता करना इम्पॉर्टेंट टास्क नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दूसरों की तरफ ध्यान ले जाना कि इसको मैंने खो दिया है तो भाई मेरे जीवन में सब खाली और खोखली हो गई हैं, अब मेरे जीवन में अगर रोमांस नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहा है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सेल्फ लव को तो गोली मार दो, सेल्फ लव की तो जरूरत ही नहीं है, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे बस आप पुरानी यादों में यही महसूस करते रहें कि वो मुझसे छूट गया था, वो मुझसे छूट गई थी, मेरे जीवन में ऐसा इंसान आया था, मेरे जीवन में वैसी इंसान आई थी, भाई आए थे, आई थी, थे के बाद था थी हो के वो निकल गए भैया, सीधी सी बात है, जो लोग निकल गए हैं उनका रोना क्या रोना है बैठ के, हैं, जो इंसान था जो थी, अगर वो था और थी होते ही नहीं, अगर वो सही होते या आपके लिए ठीक होते या आपकी जर्नी में उनका कोई रोल होता, आपकी जर्नी में उनका रोल नहीं था तो वो था थी हो गए, जब तक उनका रोल था वो हा ही थे कि हाँ है, प्रेजेंट मोमेंट में है आपके,
जब उनका जैसे ही उनका रोल खत्म हुआ वो पास्ट में चले गए। अब आपकी लाइफ में उनका कोई रोल नहीं है। अगर ये आपके पास्ट में से कोई भी इंसान है, बाई चांस ये आपके साथ में ये सब चीज़ें कर रहा है या कर रही है या करवा रहा है या करवा रही है, तो इस इंसान की सिर्फ इतनी सी ही बात है कि ये इंसान इमेच्योर है और इसे अपने हीलिंग करनी नहीं आती और आप हीलिंग कर रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन शॉर्ट। या फिर ये इसके साथ के वो लोग हैं या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपकी हीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रोफेशनल वे में कहा जाए, अगर प्रोफेशनल आपके कैरियर के या फिर आपकी फील्ड के लोग हैं, तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा ही लैक वाली एनर्जीज में रहें, या फिर आप अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो आप करेक्टर लेस साबित हों, या फिर आपकी एनर्जीज में इतनी कमी हो, आपकी लाइफ में इतनी कमी हो कि आपको गलत काम करने पड़े, तो ये कैसे साथ में कंपटीशन करने वाले लोग हैं जो आपकी लाइफ में तरह तरह के ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं। तो इनके ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है फेयर होता है, प्रतियोगिता जो होती है वो फेयर होती है। नहीं तो जैसे लोग कहते हैं कि प्यार और युद्ध में सब जायज है, प्यार और जंग में सब जायज है, ना तो प्यार में सब कुछ जायज है ना जंग में। ये कहावतें लोगों ने अपने हिसाब से बना ली हैं। जब आप प्यार और जंग में सब जायज कहते हैं तो वो जायज नहीं होता है, वो गलत ही होता है। आप हर चीज़ को अपनी गलत चीज़ को अपनी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें कह के। नहीं, सेवन ऑफ पेंटकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं धीरे 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 आपके अंदर, इसी इंसान ने आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या फिर आपके चक्रास के अंदर इस तरह के बीज डालने की कोशिश की है, जहाँ पर इसे ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर या आपका कोई सिबलिंग या कजन भी हो सकता है, आपका रियल ब्रदर या सिस्टर भी हो सकती है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, या आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर भी हो सकता है जो कि आपको करेक्टर लेस दिखाना चाहता है, या फिर इस इंसान को आप बर्दाश्त ही नहीं है। अब क्यों बर्दाश्त नहीं है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये जस्ट इंसान आपका ऑपोजिट है। यानी कि अगर आप दुनिया के भले के लिए कोई काम करना चाहते हैं या फिर आप काम कर रहे हैं, तो ये इंसान आपकी जड़ें खोखली करने का काम कर रहा है और ये उन जड़ों को खोखला बना रहा है जो कि मजबूत बनाने का काम करना चाहिए था एक्चुअली। अगर ये फैमिली मेम्बर है तो डेफिनेटली ये इंसान उन गलत चीज़ों को आपके जीवन में बढ़ा रहा है या इसने बढ़ाने की कोशिश की है, और इसने आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा बीज डालने की कोशिश की है, या तो बचपन से ही या फिर आपकी एनर्जीज में, जहाँ पर आप कभी भी प्यार के साथ कनेक्ट ना हो सकें, आप हमेशा गलत रास्ते पे रहें। अब ये आई डोंट नो, बहुत ब्लड रिलेटिव की फीलिंग भी आ रही है मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एट ऑफ सोर्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एट ऑफ सोर्ड अगेन बाइंडिंग की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी आइस क्लोज हैं। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में क्या चीज खोखली और खाली की जा रही है, आप इसे देखें। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको पता चले कि ये इंसान कौन है, डेफिनेटली ये इंसान नहीं चाहता है। इसलिए ये आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस या ऐसे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भेजने की कोशिश कर रहा है, या फिर स्पेल वर्क के द्वारा ये आपके पास में ऐसे लोगों को डाल रहा है या डाल रही है, जिससे कि आप गलत चीज़ों को चूज करें। और अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं रहे हैं या रिलेशनशिप्स में हमेशा आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको सिर्फ यूज़ या अब्यूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये इस इंसान की वजह से ही आपकी लाइफ में हुआ है, और एग्जैक्टली ये इंसान यही करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान फेक होने की इसकी मास्टर डिग्री है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप अपनी नई जर्नी के लिए तैयार हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ और चैनल डेक में से, अब स्पेल वर्क वाले चैनल डेक में से देखते हैं क्या कथा चल रही है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पेल्स टू ड्राई अप योर लव लाइफ, मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल, ईमेल, अटैचिंग स्पीड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान आपकी डेफिनेटली लव लाइफ को ड्राई अप कर रहा है, या इसने आपकी
लव लाइफ को, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है अपने पार्टनर के साथ में, उस लाइफ को इसने इफेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना हो सकें, या आपका सुखी अगर विवाहित जीवन है तो वो सुखी विवाहित जीवन ना हो सके, अगर आपका विवाहित जीवन नहीं भी है, आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं, तो भी आप उस चीज़ को कभी महसूस ना कर पाएं, या फिर आपकी लाइफ से पूरी तरह से प्यार खत्म हो जाए। तो तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, मैनिपुलेटिंग यू विद मैसेजेस, कॉल, ईमेल, अटैचिंग स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी तरफ आपको लो लेवल की एनर्जीज में रखने के लिए इस तरह के मैसेजेस, कॉल और ईमेल आ सकते हैं, जिससे कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी या कर सकते हैं। तो दो तरीके इस इंसान के, जरूर दो तरीकों में से एक तरीका जरूर होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? दे डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे भी कहा था कि ये चाहते हैं, या इस इंसान की यही विश है कि जब भी लोग आपको देखें तो वो ये देखें कि आप पावर और मनी हंगरी हैं, आपको पैसे की भूख है, आपको पावर की भूख है, आपको लोगों की भूख है, या आपको आदमी या औरत की भूख है, सीधी सी बात है। तो आपकी इमेज को जस्ट हटा देना चाहते हैं और आपकी एंजल हार्ट को, आपकी एंजेलिक प्योर हार्ट को, उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। योर फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस पर्सन लैक्स क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडियाज, अपने ही मैसेजेस कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन एंजेलिक हेल्प। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये वो लोग हैं, या ये वो इंसान है जो कि आपका फैमिली मेंबर है, या फिर इस इंसान की कोई ना कोई फैमिली मेंबर हेल्प कर रहा है, या ये फैमिली मेंबर किसी और से मदद ले रहा है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, फीमेल भी हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है, या कोई फीमेल हो सकती है जिसे आपका अच्छे करेक्टर का या अच्छा इंसान होना पसंद नहीं है, आपका अच्छी बातें करना पसंद नहीं है, या आपके ऊपर पूरी नजर रखती है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। व्हेन दे आर डिगिंग इन योर सबकॉन्शियस, आई वाज देयर, आई एम देयर वॉचिंग एवरीथिंग, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे भी कहा था इस कार्ड को जब मैंने देखा था, कि इस इंसान ने आपके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ इस तरह की सीड डालने की कोशिश की है, मे बी आपके बचपन में या किसी स्पेल वर्क के द्वारा, जिसमें कि ये आपको ऐसे रिश्तों की तरफ या ऐसी लाइफ की तरफ भेज सके जहां पर आपको हमेशा ही दुख, दर्द और तकलीफ मिले हैं। साथ ही साथ इस इंसान ने इन्हीं चीज़ों के द्वारा आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा, या फिर आपको अगर सालों साल से आपके जीवन में ये तकलीफें हैं, तो इस इंसान ने सालों साल आपको अच्छे रिश्तों से, अच्छे लोगों से और अच्छे जीवन से दूर रखा है। तो ये कोई भी ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को बाइंड और ब्लॉक हर साल ये इंसान आपके ऊपर पैसा खर्च करता रहा है या रही है, जिससे हर साल इसने आपकी एनर्जीज को बांधने की कोशिश की, या इसने बांधा, या इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, इसने आपके फैमिली मेंबर की हेल्प ली, जो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई ब्रदर या सिस्टर हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड उड़ता हुआ क्या है? दे आर डिसरिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज एवरी टाइम, दे वॉन्ट यू टू फील गिल्टी फॉर देम, ग्रुप, फैमिली मेंबर, हेल्पर्स। तो ये डेफिनेटली वो लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपने इनको छोड़ दिया, तो आपने क्यों छोड़ दिया, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया, वो मेरे जीवन में था थी क्यों हो गए, वो था थी वाले लोग हैं ये, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को, या फिर आपकी उस एनर्जी को वॉच कर रहे हैं जहां पर आप प्राइवेट मोमेंट में किस तरह से होते हैं, उन चीज़ों को स्प्रिट्स के द्वारा या साइकिकली वॉच करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, या मिरर्स के द्वारा वॉच करने की कोशिश हो रही है, और आपकी बाउंड्रीज को, आपके एनर्जीज को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो ये सारी कहानी जो वहाँ पे मैसेज दिख रहा है ना ऊपर यू का, ये आपके ऊपर ही ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है, और आपके ऊपर ही ये सारी कहानी खत्म होती है। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल्स, फाइनेंशियल सक्सेस हेल्थ। तो ये आपकी लाइफ में ब्रेकअप स्पेल्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर हमेशा ही आपको रिश्तों से दूर रखा है, जो मैंने कहा है। और अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई अच्छा रिश्ता आया, तो इन लोगों ने आपके जीवन में अच्छे इंसान को नहीं आने दिया, और आपको हमेशा मैसेजेस, कॉल्स और ईमेल के द्वारा आपके ऊपर स्प्रिट अटैच करी। तो ये कम से कम
तीन चार लोग तो हैं इसमें आपके नॉन जो लोग हैं इसमें, एक एक आध पर्सन ही कोई ऐसा होगा जो कि बाहर का है, बाकी ये जो लोग भी हैं ये फैमिली वाले लोग हैं भाई, परिवार है इसमें, या ये अलग अलग हो सकते हैं लोग, अलग अलग इन चीजों को कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, ये कोई चार, जैसे कि मैंने कहा तीन चार लोग हैं यहाँ पे, ये इन तीन चार लोगों में कोई कम से कम तीन फीमेल और तीन मेल और एक फीमेल है, लेकिन एक फीमेल जो है बहुत ही ज्यादा डार्क विच है, या तो ये वो विच है जिसका ये सहारा लेके सारे स्पेल वर्क करते हैं, या ये फीमेल वो विच है जो कि आपकी फैमिली मेंबर है और ये आपकी लाइफ के ऊपर हमेशा नजर रखती है, और इसकी खुद की एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर ये पावर की, मनी की और आदमी या औरत की भूखी है। सिंपल सी बात है, स्पष्ट सी बात है। तो एक एक इंसान आपके जीवन में थीव बना जिसने आपकी लाइफ से सब चीजें चोरी की, एक आपके जीवन के अंदर कोई इंसान ऐसा आया जिसने आपको कभी भी प्यार दिया ही नहीं, मेल या फीमेल कोई भी, एक इंसान ऐसा आपके जीवन में रहा जिसने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया या आपके विश्वास को छलनी छलनी कर दिया। गुड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। क्या कहानी है पूरी, जैसे मैंने कहा ये कहानी बहुत गहरी है भाई। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, ये तो होगा ही, ये सारे मैजिक वैजिक अनसक्सेसफुल ही होने वाले हैं, यही एनर्जीज और कुछ नहीं है, बस यही एनर्जीज हैं कि आपके फाइनेंसिस को, आपकी हेल्थ को आपको अंदर से खोखला कर दो, आपके रिश्तों को खराब कर दो, आपको मैनिपुलेट कर दो ताकि आप अपनी तरफ आने वाले लोगों को देख ना सको, या फिर आपको इरोटिक एनर्जीज में डाल दो, सेक्सुअल एनर्जीज में डाल दो कि आप परेशान होकर घूमते रहो कि कोई भी इंसान मिल जाए मुझे, मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। देखो मैं अपनी रीडिंग बहुत स्पष्ट देती हूं, अगर आपको हॉ है कुछ लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये एनर्जीज ऐसी ही है, ये आपको टोटली डिस्ट्रॉय करने के उस एनर्जीज में है, लगातार लगातार लगातार, ये एक पैटर्न सा है कहानी का जो लगातार इन रीडिंग्स में आता है, क्योंकि लास्ट में जो कुछ एक ये पैटर्न निकल के आता है या निचोड़ निकल के आता है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आता है ना, क्योंकि आपको फलने फूलने के लिए तो कोई नहीं करेगा ना कि तुम फाइनेंशियली फलो फूलो और तुम रोमांटिकली खराब हो जाओ, तुम रोमांस में फलो फूलो और तुम फाइनेंशियली खराब हो जाओ, तो जब बर्बाद करेंगे तो सब चीजों में बर्बाद करेंगे ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जेमिनाई पर्सन एयर एलिमेंट, तो ये कोई, अच्छा जेमिनाई पर्सन कोई हो सकता है, मुंह से निकल गया, तो ये कोई जेमिनाई पर्सन हो सकता है जो कि एयर एलिमेंट का है, या फिर आप हो सकते हैं, या फिर ये वर्ड मैजिक का यूज करते हैं आपके एनर्जीज को बाइंड और ब्लॉक करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट ओवर स्पेंड, तो आप ज्यादा पैसे नहीं खर्चिएगा। यू आर विद योर एनिमी ऑल द टाइम, आप हमेशा ही अपने दुश्मनों के साथ थे और अभी भी, या फिर आप अभी भी हैं, ठीक है। दे आर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स हो गए हैं कुछ लोग, और डेफिनेटली इनमें से कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, यानी कि ये लोग प्रोफेशनली अब इन चीज़ों को इतना कर चुके हैं कि प्रोफेशनली ये इन चीज़ों को अब करने लगे हैं। वॉन्ट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, तो ये आपकी जो भी आपकी लाइफ में आप जो क्रिएट करते हैं, आप जो बनाते हैं, आप जो डिस्ट्रॉय करते हैं, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में आप अच्छा क्रिएट करते हैं, ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों के तरीकों को बदल दें और आप बिल्कुल भी उस तरीके से उन चीज़ों को ना करें जिस तरीके से आप उन चीज़ों को हील करते हैं या आप आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल सारी सिचुएशन के बारे में क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच की गाइडेंस के लिए। ओके, चार कार्ड ही लेने हैं आज, डिवाइन ऐसे ही दे रहे हैं लगता है मैसेजेस। तो पहला आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, और अगर इस कार्ड के अंदर इन वाले कार्ड्स में कोई भी रिवर्स कार्ड आता है वो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल के डेक से मैं कुछ भी रिवर्स नहीं लेती हूँ कार्ड्स में। नो इट इज नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा और अपनी सोल को क्लीन करते रहिएगा। अगर आपको कोई डिसबैलेंस महसूस होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ये समय है आपके लिए पेशेंस रखने का। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आप ट्रैप नहीं है जो कि आप यहाँ पे करने की कोशिश की गई है,
आपके लिए जो भी अवसर हैं और जो भी आपके लिए संभावनाएं हैं उनकी तरफ आपको गाइड किया जाएगा आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपसे कहा गया है अपने एंजल हार्ट को बिल्कुल यूज कीजिए, और इस चीज को याद रखिए कि आप फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप जुड़े हुए होते हैं। आपके एंजल्स आपकी तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं आपकी सोल ग्रोथ के लिए, इसलिए आपको उसी की तरफ फोकस करना है और आपको शांत रहना है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, दिस इज टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा समय है, इसलिए ये आपको बाइंड और ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हाथ से आप निकल गए हैं या आप और ज्यादा निकल जाएंगे, तो पहले ही कंट्रोल कर लो। तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है, और आपको आर्कएंजल माइकल यही गाइड कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसीज में ही ज्यादा बढ़ना चाहिए, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज को हाई रखना चाहिए। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो फैमिली लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। ये रीडिंग पूरी तरह से आपके बारे में है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में है। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। फैमिली कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।